Hi everyone, good evening, welcome to अन Academy NEET guys. एक बारी मैं देख लूँ खुद को, am I looking fine? Yes. Hi guys, how are you doing? So today we are meeting at little bit different time. थोड़ा सा जल्दी मिल रहे हैं क्योंकि बात थोड़ी इम्पॉर्टेंट है, बात थोड़ी जल्दी करनी ज़रूरी है क्योंकि आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट आने वाला है. वैसे तो ये इवेंट हर संडे होता है लेकिन इस संडे कुछ स्पेशल होने वाला है. इस संडे कुछ बड़ा किया है अन अकेडमी ने, कुछ बड़ा सोचा है अपने लर्नर्स के लिए. हमारे लर्नर्स इतने सारे समय से हमारे साथ हैं, बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी ये टेस्ट देते आ रहे हैं लेकिन इस बारी इस टेस्ट में जो विजेता रहेगा उसके लिए अमेजिंग अमेजिंग प्राइजेस हैं. यस, माई सेल्फ सीप पाहुजा एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉम्बैट. कॉम्बैट इज अन अकेडमी गेमीफाइड वर्जन कि किस तरीके से गेम की फॉर्म में, एक क्विज की फॉर्म में टेस्ट होता है हर संडे सुबह 11 बजे. ठीक है, तो इसके बारे में मुझे कुछ बताना था क्योंकि सिंस इसमें बहुत बड़े बड़े प्राइजेस हैं. मैंने यहाँ पर एक मन पसंदीदा एक प्राइज़ लिखा है, वैसे तो ऐसे बहुत सारे हैं. तो मन पसंदीदा बड़े बच्चों का इच्छा है कि मेडिकल कॉलेज में पढ़ने के लिए, आप आजकल इतने यूट्यूब वीडियोस देखते हो, यू सी दैट ऑल द मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट्स, एमबीबीएस स्टूडेंट्स, दे कैरी एन आईपैड. आईपैड पे वो अपने वीडियो लेक्चर सुनते हैं एंड बहुत सारे सेशंस लगाते हैं क्योंकि ऑनलाइन स्टडी का टाइम है. आप लोग जब नीट की तैयारी कर रहे हो तब भी आपको चाहिए होता है कोई ऐसी स्क्रीन, बड़ी स्क्रीन. फ़ोन में छोटा दिखता है ना, और वैसे ही जब आप मेडिकल कॉलेज में जाओगे आपको बेटर रिप्रेजेंटेशन के लिए, PDF रीड करने के लिए, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स दे आर हैविंग दिस थिंग जस्ट टू राइट देयर prescription and to keep a record and to read all of their books at one place. ये जस्ट मैंने एक गिफ्ट लिखा है, और भी बहुत सारी चीजें. तो आपके पास इस संडे मौका है इसको पाने का. आपके पास इस संडे अपनी नॉलेज को यूज करके इसको एज अ गिफ्ट लेने का मौका है क्योंकि आप उसको डिजर्व करेंगे. देखो, डिजर्व वो करता है जो मेहनत करता है, मेहनत वो करता है जिसको बेटा आगे जाकर पक्के से पक्का कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिलता है. देखिए, मेहनत चाहे आप आज करिए चाहे आप कल करिए, उसका फल मिलेगा ही मिलेगा. और जब आपके पास इतना अच्छा फल पाने की इच्छा, तो मेहनत क्यों ना की जाए. यस, मेहनत क्यों ना की जाए. चलिए आ जाइए. तो सिंस एक बहुत बड़ा टेस्ट होने वाला है संडे को जिसका नाम है कॉम्बैट. जिन बच्चों को कुछ भी नहीं पता इसके बारे में उनके लिए मेरे पास इंफॉर्मेशन है. मैं डिटेल में आपको बताऊंगी कि ये होता क्या है. एंड इस बारी का कॉम्बैट मैंने खुद डिज़ाइन किया है. यस, बायोलॉजी का पोर्शन बेटा मैम ने खुद डिज़ाइन किया है, तो चीटिंग तो एक्सपेक्ट मत करना. बट येस, आई कैन शो यू सम सैम्पल क्वेश्चंस. आई कैन शो यू कि किस लेवल के क्वेश्चंस आएंगे. तो बायो के मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी अभी करा दूंगी जो स्पेसिफिकली हमने उसी सेट में से निकाल ली है. सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, टेंशन मत लेना, बट उस लेवल के आपको क्वेश्चन आएंगे, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे. ठीक है, तो जितने बच्चे नए हैं उनको मैं बताना चाहती हूँ कि कॉम्बैट क्या है. कॉम्बैट इज अ फ्री टेस्ट जो कि अन अकेडमी कंडक्ट करती है हर संडे को. ठीक है, कब कंडक्ट करती है बेटा? हर संडे को कंडक्ट करती है. ठीक है, कॉम्बैट इज अ टेस्ट जो अन अकेडमी कंडक्ट करती है हर संडे को. ठीक है, ये कॉम्बैट 25 जुलाई वाला थोड़ा सा खास होने वाला है. कब का? 25 जुलाई. ये डेट मार्क कर लेना. 25 जुलाई वाला कॉम्बैट खास होने वाला है क्योंकि इस बारी आपके पास चांस है बहुत कुछ जीतने का. क्या करने का बेटा? बहुत कुछ जीतने का. तो ये चांस मैं आपको देना चाहती हूँ. ये चांस मैं चाहती हूँ कि आप लोग आकर इसको ज़रूर टेस्ट को लिखें. ठीक है, तो लेट मी जस्ट टेल यू. यस, तो डिटेल्स ले लो बेटा कॉम्बैट की. सो टॉकिंग अबाउट दिस टेस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस टेस्ट विल हैपन ऑन योर फोन. आपको इसके लिए क्या चाहिए? कोई लैपटॉप नहीं चाहिए, कोई OMR नहीं चाहिए, सब कुछ कहाँ होगा? आपके फ़ोन में. कौन सा फ़ोन चलेगा? एंड्रॉयड फ़ोन. देखो बेटा, ये चीज़ अगर आप अभी नोट कर लोगे तो आपके लिए टेस्ट में बेनिफिट होगा, जल्दी पहुंच जाओगे, समय लिमिटेड होगा क्योंकि वहाँ पर. एंड जितना जो बच्चा समय के अकॉर्डिंग काम करेगा उतना ही उसका अच्छा चांस रहेगा. ठीक है, तो सबसे पहले बेटा कॉम्बैट इज गोइंग टू हैपन ऑन योर फोन, नॉट ऑन योर लैपटॉप. इट इज़ गोइंग टू हैपन ऑन योर एंड्रॉयड फ़ोन. व्हेन इज इट गोइंग टू हैपन? इट इज़ गोइंग टू हैपन ऑन 25 जुलाई. ये जो मेगा कॉम्बैट है, वैसे तो कॉम्बैट हर संडे होता है बट दिस मेगा कॉम्बैट इज गोइंग टू हैपन ऑन 25 जुलाई जो कि क्या है? जो कि है बेटा संडे. इसी संडे की बात हो रही है, इसी संडे की बात हो रही है. ठीक है, तो इस संडे 25 जुलाई को सुबह 11 बजे आप लोगों के लिए एक फ्री टेस्ट है. दिस इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट बेटा. जिस बच्चे को कुछ भी नहीं पता इसके बारे में तो वो सीख लें. कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट है. कैसे देंगे, कहाँ पर देंगे? फ़ोन खोलो, फ़ोन में बेटा ऐप डाउनलोड करो. यू जस्ट नीड एन ऐप. आपको सिर्फ क्या चाहिए बेटा? एक ऐप चाहिए. दैट इज़ अन अकेडमी लर्निंग ऐप, अन अकेडमी का ऐप चाहिए. ठीक है। अन अकेडमी के ऐप में जाना, टेस्ट सीरीज में, वैसे जाने की जरूरत नहीं, होम पेज पे ही पड़ा है। अन अकेडमी की ऐप खोलना, वहाँ पर तुमको क्या मिल जाएगा, सबसे ऊपर कॉम्बैट का लिंक मिल जाएगा। उसमें आपको क्या कर लेना है, एनरोल। क्या इस एनरोलमेंट के कोई पैसे हैं? नहीं बेटा, फ्री एनरोलमेंट, नो चार्जेस एट ऑल, नो चार्जेस एट ऑल। सो इट इज़ गोइंग टू बी कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ आपसे क्या पूछेंगे, कोड पूछेंगे। सिर्फ आपसे क्या पूछा जाएगा बेटा जी, कोड पूछा जाएगा। एंड कोड आप एनरोलमेंट में लगा सकते हैं, सीप लाइफ, मैम का नाम है आगे लगा देना, लाइफ, ठीक है। तो आपके लिए कॉम्बैट फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। और एक बारी अगर आप एनरोल कर लिए, जितना जल्दी एनरोल करोगे उतना बेटर है ना, क्योंकि बाद में भगदड़ मच जाती है, साइट में कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, एनरोलमेंट कंप्लीट हो जाती है, यू नो, स्टूडेंट्स का नंबर फिल हो जाता है। ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्लाई कर चुके हैं, एनरोल कर चुके हैं। तो आप लोगों को मैं बता रही हूँ, अगर तुमको ये स्टेप फॉलो नहीं होते, वैसे तो ये स्टेप बड़े आसान है। अन अकेडमी के ऐप में जाओ, कॉम्बैट मिल जाएगा एंड साथ में एनरोल करना। कंप्यूटर पर नहीं देना, कहाँ पर देना है, अपने एंड्रॉयड फ़ोन पर देना है, ठीक है। देन अगर आपसे स्टेप फॉलो नहीं हो पा रहे, आलसी हो तुम, बहुत आलसी हो, है ना, बहुत सारे बच्चे आलसी हैं। अगर तुम लोग आलसी हो तो पहुंच जाना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस सेशन के डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा नीचे जाओ, थोड़ा सा नीचे जाओगे, आपको मिल जाएगा अन अकेडमी कॉम्बैट का लिंक। बस उस लिंक पे क्लिक करो, लिंक पे क्लिक करो, एनरोल कर लो। तुम्हें खुद मेल आएगा, आपको मेल आएगा कि भाई कॉम्बैट शुरू होने वाला है, कितने बजे, 11 बजे संडे को। अब क्या इस टेस्ट को कौन दे सकता है, विच क्लास, अगला सवाल आता है, विच क्लास कैन गिव दिस टेस्ट। तो बात करें क्लास की अगर, देन दिस इज, देयर इज गोइंग टू बी अ सेपरेट टेस्ट फॉर 11th, 12th एंड 13th। 11th मतलब जो बच्चे 2023 को एम कर रहे हैं, जो भी 11वीं कक्षा में आए हैं। 12th मतलब जो बच्चे 2022 को एम कर रहे हैं, जो अभी 12th क्लास में आए हैं। एंड 13th मतलब कि ड्रॉपर, या फिर वो बच्चे जिनका 12th खत्म हो गया है ना, जिन्होंने इस साल नीट देना है। तो इस साल नीट वाले एनरोल करेंगे 13th में, अगले साल नीट वाले एनरोल करेंगे 12th में, एंड उससे अगले साल वाले नीट वाले एनरोल करेंगे 11th में। ऐसा क्यों, स्मार्ट नहीं बनना, 13th के होते हुए 11th में नहीं घुस जाना, क्योंकि बेटा बाद में चेकिंग होती है। ऐसे आपको फ्री में गिफ्ट्स नहीं मिलेंगे, आपकी नॉलेज यूज हो रही है, आपकी ऑथेंटिसिटी देखी जाएगी कि आप क्या सही इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, नहीं दे रहे, ठीक है। तो 11th, 12th, 13th का सेपरेट टेस्ट होगा, डिपेंडिंग अपॉन योर सिलेबस एंड योर डिफिकल्टी लेवल। 11th के लिए सिलेबस 11th में से आएगा, 12th के लिए सिलेबस 12th क्लास में से आएगा, 13th के लिए कुछ भी आ सकता है, फुल सिलेबस होता है। एंड फॉर डिटेल्ड सिलेबस गाइज, है ना, फॉर डिटेल सिलेबस कि कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, 13th के लिए तो सब आता है, दिस इज फुल सिलेबस फॉर 13th, ठीक है। 12th और 11th के लिए अलग अलग चैप्टर्स हैं। डिटेल सिलेबस के लिए बेटा रेफर टू ऐप, अन अकेडमी कॉम्बैट पे जब आप जाएंगे ना ऐप में, आपको वहाँ पर इस बारी के कॉम्बैट का सिलेबस भी इजीली दिखाई दे जाएगा, ठीक है। सबको पता चल गया क्या करना है, एक बारी थम्स अप के साथ मैम को बता दो, फिर मैं आपको टिप्स बताने वाली हूँ, फिर मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। एक बारी रुकिए, लेट मी शो यू कि क्या क्या गिफ्ट्स आपको मिल सकते हैं। येस एवरीवन, सो इस बारी वाला कॉम्बैट है मेगा कॉम्बैट, इसका नाम मेगा इसीलिए रखा क्योंकि यहाँ पर गिफ्ट क्या है, देखो वैसे गिफ्ट तो एक बहाना है, मेरा मोटिव है तुमको नॉलेज गेन कराना, मेरा मोटिव है तुमको अपनी रैंक के बारे में पता लगवाना। कई बारी हमें होता है कि वी डोंट नो दैट वेयर डू वी स्टैंड, सो यू हैव टू सिट इन सच बिग टेस्ट वेयर लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स दे आर अपीयरिंग, सो दैट आप अपनी पोजीशन सिक्योर कर पाएं। सो आप मेहनत करोगे, पेपर दोगे तो रिवॉर्ड भी मिलेगा। इस वाले वाला कॉम्बैट मेगा इसीलिए है बिकॉज यू आर गेटिंग Amazon वाउचर्स, यू आर गोइंग टू गेट JBL स्पीकर्स, गाने वाने सुनते ही हो, देन फिटबिट वर्सा, ये आपकी स्मार्ट वॉच है, एंड देन iPad मिनी। देखो जो फर्स्ट कॉम्बैट हुआ था, मैं तुम्हें एक राज की बात बताऊं, पिछले साल हुआ था, एंड जो फर्स्ट कॉम्बैट था उससे बच्चे को मैकबुक मिली थी। वो मेरी क्लास का ही स्टूडेंट था जिस बच्चे को मैकबुक मिली, पहले वाले को किसी ने सीरियसली नहीं लिया, नहीं दिया, बहुत बच्चों ने, दे डिड नॉट रियलाइज द सिविरिटी ऑफ द थिंग्स कि अन अकेडमी जब कुछ बोलता है तो डेफिनेटली करता है। सेम वे, ठीक है, सेम वे बेटा इस बारी वाले कॉम्बैट को जो सीरियसली नहीं लेगा, उसको लगेगा कि यार ये तो हर हफ्ते होता है, हर हफ्ते नहीं होता है, हर हफ्ते कॉम्बैट होता है लेकिन ये गिफ्ट्स नहीं आते हैं, ठीक है। ये जो वॉच है ये तो मैम के पास भी नहीं है, तुम लोग ले लेना। सोचो आप अगर ये सब चीज़ें कैरी करके मेडिकल कॉलेज में जाओ, शान ही बखरी होएगी, ठीक है। चलो तो एनरोल कर लेना 25 जुलाई 11 AM। अब कौन बच्चे चाहते हैं, यस, मैं सैंपल टेस्ट लेने वाली हूँ, कौन बच्चे चाहते हैं कि यहाँ पर मैं क्वेश्चन डिस्कस कर दूँ, सैंपल क्वेश्चन, रियल क्वेश्चन नहीं, सैंपल क्वेश्चन डिस्कस कर दूँ। यस, हु वांट्स दिस, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। जो बच्चे चाहते हैं सेशन को लाइक करके वो चैट सेक्शन में बता दो, चैट सेक्शन में बता दो कि मैम टिप्स शेयर करें। टिप्स क्यों? टिप्स क्या है? टिप्स है बेटा आपके लिए इस टाइम की इंपॉर्टेंस। 25 जुलाई को टेस्ट होने वाला है 11 बजे। ये टेस्ट कितनी देर का होगा? ये टेस्ट होगा बेटा 60 मिनट्स का। ठीक है, कितनी देर का होगा? 60 मिनट्स का टेस्ट है। और इस 60 मिनट्स के टेस्ट में आपके पास हर सेक्शन से 7 क्वेश्चन आएंगे। हर सेक्शन मतलब एक सेक्शन हो गया बॉटनी का, एक सेक्शन हो गया जूलॉजी का, एक सेक्शन हो गया केमिस्ट्री का, एक सेक्शन हो गया फिजिक्स का। तो बॉटनी में आपके पास कितने सवाल हो गए? 7। जोलॉजी में कितने हो गए? 7। केमिस्ट्री में कितने हो गए? 7। फिजिक्स में कितने हो गए? 7। टोटल क्वेश्चंस आपके पास कितने बन जाएंगे? 28 क्वेश्चंस बन जाएंगे। एंड ये 28 क्वेश्चन क्या तुम आधे घंटे में नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। सो पहला टिप, फर्स्ट टिप इज गोइंग टू बी योर टाइम मैनेजमेंट। यू जस्ट हैव टू सॉल्व 28 क्वेश्चंस इन 60 मिनट्स। बायो में, बॉटनी में, जूलॉजी में आपको टाइम नहीं लगेगा क्योंकि मैं आपको सैंपल क्वेश्चन दिखाने वाली हूँ। आप केमिस्ट्री फिजिक्स के सैंपल मत एक्सपेक्ट करो मेरे से। बायोलॉजी का मैं सैंपल आपको दिखा देती हूँ क्योंकि पेपर मैम ने बनाया। चलो आ जाओ, सब बच्चे पहले मुझे प्रॉमिस करें कि एनरोल करेंगे और पेपर में बैठेंगे, क्योंकि इस बारे का कॉम्बैट जो विनर होना चाहिए वो मेरी क्लास का बच्चा होना चाहिए। मैंने तो सबसे बात कर ली है ना, जुगाड़ बिठा लिए कि मेरी क्लास के बच्चे ज़रूर के ज़रूर कॉम्बैट देंगे और विनर भी यहीं से निकलेगा। ठीक है, तो हैशटैग सीप मैम के जो बच्चे हैं वो कॉम्बैट में आगे रहेंगे। सो नाउ लेट मी शो यू आवर क्वेश्चन। सैम्पल क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाओ बेटा, सैम्पल क्वेश्चन के लिए सब बच्चे तैयार हो जाए। 11th के लिए अलग है, 12th के लिए अलग है दिव्यांगी। हाँ, 11th वालों को अलग आईपैड मिलेगा उनके विनर को, 12th वालों को अलग मिलेगा, 13th वालों को अलग मिलेगा। तो टेंशन ना को, सबको मिलेगा। ठीक, हाँ जी। तो बच्चों ने मुझे प्रॉमिस किया है कि यस मैम हम एनरोल करेंगे। जो बच्चे यहाँ नए हैं एनरोल कर लो प्लीज। हाँ, कोड पूछेगा तो लगा लेना सीप लाइफ। चलिए गेट रेडी फॉर द क्वेश्चन, गेट रेडी फॉर द क्वेश्चन। पहला सवाल आप लोग आंसर देना, चैट सेक्शन में मेरे को आंसर देना, फिर मुझे पता चल जाएगा वेदर यू गाइज आर रेडी और नॉट। इसी संडे होना है, आज क्या है? आज फ्राइडे। तो संडे तैयार रहिएगा, संडे के लिए बेटा तैयार रहिए। यस, सैंपल क्वेश्चन सबके लिए सेम है क्या? देखिए नीट लवर्स, ये जो सैंपल क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर करूंगी उसमें 11th 12th दोनों के क्वेश्चंस हैं। तो आप इमेजिन कर लेना, जो बच्चे 11th होंगे उनको 11th का पोर्शन करना है, 12th को 12th का पोर्शन करना है। अभी जो मैं सैंपल शेयर कर रही हूँ कंप्लीट सिलेबस में से है, बट जब आप कॉम्बैट के पेज में जाएंगे तो आपको अपना क्लास के अकॉर्डिंग सिलेबस दिखेगा, वही प्रिपेयर करने हैं। 2-3 चैप्टर प्रिपेयर करने हैं 11th वालों, 12th वालों। ज़्यादा नहीं है तुम्हारा सिलेबस, 13th वालों को तो वैसे ही सब कुछ करना था। ठीक है, चलो आ जाओ। पहला सवाल, यस दिख रहा है? मैं थोड़ा इधर हो जाती हूँ। ओके, सो इफ़ यू ड्रिंक अ ग्लास ऑफ मिल्क गाइज, इफ़ यू ड्रिंक अ ग्लास ऑफ मिल्क, विच एंजाइम वुड हेल्प इन द इनिशियल स्टेप ऑफ इट्स ब्रेकडाउन? लाइपेस, ट्रिप्सिन, रेनिन और पेप्सिन? कम ऑन गाइज। एनरोल लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स गाइज। डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा, ऊपर ऊपर नहीं है, नीचे जाओगे कॉम्बैट दिखेगा, अन अकेडमी कॉम्बैट। ठीक है, नीचे जाओगे तो दिखेगा। यस, इफ़ यू ड्रिंक अ ग्लास ऑफ मिल्क विच एंजाइम विल हेल्प इन द इनिशियल स्टेप? देखिए लाइपेज का तो कोई लेना देना नहीं है, ट्रिप्सिन है, रेनिन है और पेप्सिन है। ट्रिप्सिन भी इनिशियल नंबर पे नहीं आता। इनिशियल अगर मैं देखूं तो मुझे क्या करना है? मिल्क का ब्रेकडाउन करना है। किसका करना है बेटा? मिल्क में क्या होते हैं? प्रोटीन्स, एंड वन ऑफ द प्रोटीन इज केसिन, है ना, इसका ब्रेकडाउन करना है। अगर हम बात करें इन्फेंट्स में, इन्फेंट्स में इसका ब्रेकडाउन कौन करता है? रेनिन, जो कि सिर्फ किस में प्रेजेंट होता है? इन्फेंट्स में, रेनिन विद डबल एन, स्टमक में। और अगर बात करें बेटा अपने एडल्ट्स की, एडल्ट्स में इसकी जगह यही काम कौन कर देगा? पेप्सिन कर देगा। सो इफ आई टॉक अबाउट इन्फेंट्स देन द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, रेनिन। सवाल कर लोगे? दिक्कत तो नहीं आ रही ऐसे सवाल करने में? यस, दिस इज अ सैंपल क्वेश्चन फॉर कॉम्बैट। सो सबसे बड़ा टिप कि क्वेश्चन आपके सिलेबस में से आएगा, कुछ बाहर से नहीं आएगा। इट इज गोइंग टू बी स्ट्रिक्टली NCERT बेस्ड, स्ट्रिक्टली NCERT बेस्ड। राइट गाइज, चलो आगे आ जाओ। नेक्स्ट सवाल, यस, Which of the following guys, next question, which of the following is a respiratory organ of silverfish? Yes, 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 come on. Which of the following is a respiratory organ of silverfish? Book lungs, pharyngeal slits, skin और trachea? सबको पता होना चाहिए कि पहले silverfish कौन है। क्या ये fish है? क्या silverfish fish है? 11th वालों, animal kingdom पढ़ा है? हाँ जी बताइए। Silverfish is not a fish. Silverfish is actually an, स्किन बोल रहा है, कौन बोल रहा है स्किन? मार खाएंगे स्किन वाले बच्चे। यस, सिल्वर फिश एक्चुअली में क्या है? एक इंसेक्ट। चलो मैंने हिंट दे दिया, सिल्वर फिश क्या है? इंसेक्ट। एंड इंसेक्ट में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं वो कौन होते हैं? इंसेक्ट में रेस्पिरेटरी ऑर्गन बुक लंग्स नहीं है, फेरेंजियल स्लिट्स नहीं है, स्किन नहीं है। करेक्ट आंसर आपका होना था ऑप्शन नंबर डी, ट्रैकिया, ट्रैकियल ट्यूब्स। कॉकरोच वाला सेगमेंट है ना, ऑर्थ्रोपोडा है। सिल्वर फिश इज एन ऑर्थ्रोपोडा, ठीक है। सो हियर द करेक्ट आंसर वुड बी डी। कुछ भी बाहर से नहीं आया, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ जाओ, हाँ जी। मेल बेयर अ पेयर ऑफ शॉर्ट थ्रेड एनल स्टाइल्स इज अ प्रॉपर्टी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज? हाँ जी बताइए। मेलानोप्लस, बीविटाटस, एक्टियस ल्यूना और पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। कि मेल के पास स्टाइल मारने के यंत्र हैं, ये किसके पास है? कौन से मेल के पास है? कम ऑन गाइस, इसमें तीन ही ऑप्शन है ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए। इसी तरीके के क्वेश्चंस आएंगे कॉम्बैट में बेटा, संडे को टेस्ट है। यस, ये जो प्रॉपर्टी है ये किसकी है? हमारे फेवरेट मेल की, दैट इज कॉल्ड एज कॉकरोच, ठीक है। किसका प्रॉपर्टी है? कॉकरोच। तो कॉकरोच कहाँ है अपना? पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। यस, पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। चलिए यस, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज अ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? ये फुल सिलेबस का है तो आप इमेजिन कर लेना कि 11th के कौन से सेक्शन है, 12th के कौन से, 13th को तो वैसे ही फुल सिलेबस आना है। हर क्लास का सेपरेट कॉम्बैट है लेकिन समय एक ही है, 11 बजे ही है, 11 बजे। तो स्मार्टनेस नहीं दिखानी, ये नहीं सोचना कि मैम हम तीनों का दे देते हैं, कहीं तो प्रोबेबिलिटी बनेगी। कोई प्रोबेबिलिटी नहीं बनेगी, एक ही टाइम पे है तो एक ही क्लास का देना। बाद में अगर तुम जीत गए तो पूरा चेक होता है, तो इसीलिए झूठ वाली इन्फॉर्मेशन नहीं, बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन अपना माइंड यूज करते हुए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पेपर दोगे। हाँ जी, डैश इज अ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग। भाई ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखिए, इट इज एन अमाइनो एसिड। क्या दिया हुआ है आपके सामने? अमाइनो एसिड, ठीक है, सी अल्फा। इसके पास एक NH2 ग्रुप है, एक COH ग्रुप है, एक H ग्रुप है। जरा R ग्रुप देखो इसका, दिस इज इट्स R ग्रुप। R ग्रुप में देखोगे यू हैव एन एडिशनल NH2, और जब एडिशनल NH2 ग्रुप होता है तो ये कौन सा प्रॉपर्टी ऐड करता है? बेसिक प्रॉपर्टी। अगर एक से ज्यादा COH हो तो एसिडिक नेचर हो जाएगा, अगर एक से ज्यादा NH2 हो तो बेसिक नेचर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बेसिक अमाइनो एसिड। वेरी गुड वैशाली, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन लीड्स टू, कल ही चैप्टर कराया तो आंसर देना, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन लीड्स टू फास्टर एंड डीपर ब्रीदिंग? बताओ, फास्ट ब्रीदिंग एंड डीप ब्रीदिंग किस सिचुएशन में आपको ऐसा करने की जरूरत पड़ेगी? ऑप्शंस, व्हेन ऑक्सीजन लेवल इंक्रीजेस, मैं यहाँ पर ऐसे करके लिख देती हूँ, when pH level goes down in blood, okay, pH अगर कम हो जाए, when CO2 rises in blood, और when none of the above। बताइए कब आपकी बॉडी को ऐसा सिग्नल मिलेगा that you will start taking deep breaths and fast breathing। देखिए ये सब चीजें किसने सेंस की? कीमो रिसेप्टर ने। एंड कीमो रिसेप्टर्स दे आर सेंसिटिव ओनली फॉर, दे आर सेंसिटिव टू टू थिंग्स, वन CO2 कंसंट्रेशन प्लस अनदर H+ आयन कंसंट्रेशन। इनको ऑक्सीजन से कोई मतलब नहीं है, इनको सिर्फ किससे मतलब है? CO2 से। तो जब CO2 का मात्रा इंक्रीज हो जाएगा बॉडी में तब ये इंफॉर्मेशन भेजेंगे रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को टू इंक्रीज द डीपरनेस, मतलब डीप ब्रेथ्स लें और साथ ही में नंबर ऑफ ब्रेथ्स भी इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। डिफिकल्ट लग रहा है? यस गाइज बताइए, डिफिकल्ट लग रहा है कॉम्बैट? ये क्वेश्चन देखने के बाद क्या कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा? नहीं आ रहा बेटा, बता दो मैम को चैट सेक्शन में, है ना। नेक्स्ट, अ पर्सन इन लैब, ये मैंने आज कराया। अ पर्सन इन लैब इज वर्किंग ऑन ब्लड, ही टुक द ब्लड फ्रॉम द पेशेंट, ठीक है, बाहर ब्लड निकाला, एंड कीप्स इट इन अ टेस्ट ट्यूब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर टू परफॉर्म एनालिसिस आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम? हाँ जी, इनमें से कौन सा है? उसको ब्लड का एनालिसिस करना है, उसने ब्लड बाहर निकाला, मतलब उसको ब्लड को क्लॉट नहीं होने देना, क्लॉट नहीं होने देना। तो क्या कर सकता है? देखिए, कीपिंग इन द टेस्ट ट्यूब, अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन ऑर्डर टू परफॉर्म एनालिसिस, ओके, कीपिंग इन द टेस्ट ट्यूब इसमें रख सकता है। चिलेटिंग एजेंट ऐड कर देगा तो वो कैल्शियम से बाइंड कर देगा तो क्लॉट नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये भी एडिशन ऑफ हेपरिन करेगा तो भी क्लॉट नहीं बनेगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सबसे बेटा क्लॉट नहीं होगा तीनों कंडीशन से। तो इन दैट केस उसका ब्लड ब्लड की फॉर्म में रहेगा, क्लॉट नहीं होगा। यस, हाँ जी। नेक्स्ट, ओके, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस यूरिन इज एक्सपेक्टेड टू बी मोर डाइल्यूट? ज़्यादा डाइल्यूट यूरिन कब होगा? ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। इनफैक्ट इससे इजी आ सकते हैं, इससे टफ नहीं आएंगे, इससे इजी आ सकते टफ नहीं आएंगे। बस जो जो चैप्टर आपके सिलेबस में है, एक मैं बात बहुत इंपॉर्टेंट वे में बताना चाहूँगी, जो जो चैप्टर आपके सिलेबस में है ना उसका NCERT ज़रूर पढ़ के आना। NCERT मस्ट है, मस्ट मस्ट मस्ट, ठीक है। आई एम ऑल्सो कॉन्टेंट क्रिएटर फॉर कॉम्बैट, तो मुझे पता है कि पेपर कैसे बनते हैं, ठीक है। तो NCERT एक एक लाइन अच्छे से रीड करके आना, अच्छे नंबर आ जाएंगे। चलो आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इन विच केस यूरिन इज एक्सपेक्टेड टू बी डाइल्यूट? पिट्यूटरी हार्मोन इज एबसेंट, हेनलेज लूप इज एबसेंट, अच्छा सोडियम डज नॉट एंटर हेनलेज लूप, बोथ ए एंड बी। यह सिंपल सा सवाल है कि यूरिन कॉन्सेंट्रेट कौन करता था? यूरिन कॉन्सेंट्रेट करता है काउंटर करंट मैकेनिज्म। ये काउंटर करंट मैकेनिज्म बेटा कहाँ पर चलता है? लूप ऑफ हेनले में। कहाँ पर? लूप ऑफ हेनले में। तो अगर लूप ऑफ हेनले बेटा होगी ही नहीं तो यूरिन कैसे कॉन्सेंट्रेट होगा? यूरिन क्या रह जाएगा? डाइल्यूट रह जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यस, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सुव्रत जोशी, इफ टू स्टूडेंट्स, ये बड़ा जेन्युइन डाउट है, अगर दो बच्चों के सेम नंबर आ गए फिर क्या किया जाएगा? इन दैट केस बेटा वी आर गोइंग टू सी टुवर्ड्स द टाइमिंग्स कि कितने कम समय में आपने क्वेश्चंस के आंसर दिए, क्योंकि दैट इज गोइंग टू बी अ टाइम बाउंड क्विज। तो अगर सेम भी मार्क्स आ जाए तब भी विनर आ जाएगा टाइमिंग्स देख के। अब टाइमिंग्स तो सेम नहीं हो सकते ना, मिली सेकेंड्स माइक्रो सेकेंड्स का फर्क रहेगा, और हमारा तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, उसमें पता भी चल जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, द एरिया विच इज ऑपोजिट टू द साइट ऑफ द एंट्री ऑफ स्पर्म एंड ओवम। यस, साइट ऑफ द एंट्री ऑफ स्पर्म एंड ओवम, विटालाइन मेम्ब्रेन, स्ट्रोमा, कॉर्पस ल्यूटियम और ग्रे क्रेसेंट। 13th के लिए फुल सिलेबस है नीट लवर्स, एंड अगर मैं बात करूं 11th 12th की तो प्लीज कॉम्बैट के पेज पे जाओ। कॉम्बैट के पेज पे जाओगे तो मिल जाएगा, मैं तुम्हें दिखा भी सकती हूँ, दिखा दूं? वैसे पहले क्वेश्चन कर लो। ये है आपका एग, ठीक है। वन पोल इज कॉल्ड एज एनिमल पोल, इस क्वेश्चन को समझ लो, एंड दिस इज कॉल्ड एज वेजिटल पोल, ठीक है। यस गाइस, यस। अब यहाँ पर एक छोटा सा एरिया प्रेजेंट होता है, दिस एरिया, फ्रॉग के एग की बात हो रही है, दिस इज कॉल्ड एज ग्रे क्रेसेंट, दिस इज कॉल्ड एज ग्रे क्रेसेंट। यहाँ से बच्चे को न्यूट्रिशन मिलता है, क्या मिलता है? न्यूट्रिशन मिलता है। सो इट इज अ पॉइंट ऑफ सेपरेशन, जहाँ पे एनिमल और वेजिटल पोल डिवाइड होते हैं ना, उसको हम बोलते हैं दिस ग्रे क्रेसेंट एरिया। एंड इसके जस्ट ऑपोजिट वाली साइड से, जस्ट बेटा ऑपोजिट वाली साइड से स्पर्म ने एंट्री लेनी है, याद रखना है, जस्ट ऑपोजिट वाली साइड से। तो इसका डायरेक्ट आंसर बन जाएगा कि किसके ऑपोजिट स्पर्म एंट्री लेता है, दैट इज गोइंग टू बी ग्रे क्रेसेंट। यस, नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ साइकस एंड जिंगो? Which of the following is property of Cycas and Jingo? Diversification, origin of life, budding or living fossils? Simple, बहुत आसान सवाल है। Yes, that is going to be living fossils, ठीक है। Yes, which of the following, last सवाल of the sample, इसके बाद मैं आपको प्राइजेज एक बार दोबारा बता दूंगी एंड खोलना भी सिखा दूंगी कैसे ओपन करना है। Which of the following is used in gel electrophoresis? Agarose, EDTA, NaCl plasmid। अब क्या डिफिकल्ट है, अभी आपको बायोटेक्नोलॉजी कराई है सारे 12th वालों को। हाँ जी, क्या यूज करते हो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में? दैट इज गोइंग टू बेटा जी एग्रोज, है ना। द मैट्रिक्स ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज मेड अप ऑफ एग्रोज। यस, कितने नंबर आए 10 में से? कितने नंबर आए बेटा? यस, कितने नंबर आए? 10 में से कितने मार्क्स आए? आसान था, आसान था ना। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक आपको मिल जाएगा। यस, तो ये है बेटा आपके प्राइजेस, मैंने आपको बता दिया। अपने कैलेंडर को पहले ब्लॉक कर लो, कैलेंडर हम ब्लॉक कर देंगे, तुमको सिर्फ क्या करना है, एनरोल करना है। दोबारा से मैं एक बार ये बता दूं, Amazon वाउचर्स, फिटबिट, iPad, JBL स्पीकर उन्हीं को मिलेंगे जो अच्छा परफॉर्म करेंगे और कम समय में करेंगे। 1 घंटे का टेस्ट है, आपके फ़ोन पे होना है, सिर्फ आप कोड याद रखना, फ्री टेस्ट बन जाएगा आपके लिए सीप लाइव। एंड जैसे मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं, इनफैक्ट उससे ईजी क्वेश्चन ही आएंगे, उससे डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं। सो टाइमिंग्स 11 AM, ब्लॉक इट। यस गाइज, ये भी मैंने आपको बता दिया है। चलिए अब मैं आपको बता दूं एक और प्राइस। यस, एक और प्राइस है गाइज, अगर आप रैंक 1 2 3 में आ गए, रैंक 1 2 3 में आ गए तो साथ ही में आपके पास 1 ईयर का नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन पे स्कॉलरशिप मिलेगा, फ्री मिल जाएगा। जो रैंक 1 to 3rd में आएंगे, जो रैंक 4 to 10 में आएंगे, 75% स्कॉलरशिप और नीट यूजी सब्सक्रिप्शन, ठीक है। जो रैंक बेटा 11 to 50 में आएंगे 50% स्कॉलरशिप, एंड 50 to 200 में आएंगे 25% स्कॉलरशिप। इससे बड़ा क्या चाहिए। 200 रैंक तक आपके पास अपॉर्चुनिटी है गिफ्ट्स लेने की, अपने आप को एनालाइज करने की, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने की। सो दिस इज़ वंस इन लाइफ टाइम, क्योंकि इतने टाइम से कॉम्बैट चल रहा है, कभी मेगा कॉम्बैट नहीं हुआ। ये आपका पहला मेगा कॉम्बैट है, एंड आई डोंट नो अगले हफ्ते वाला होगा या नहीं होगा। तो इस हफ्ते वाला टेस्ट ज़रूर देंगे संडे 11 बजे। कितने बजे? संडे 11 बजे, ठीक है। लिमिटेड सीट्स ही होती हैं, तो जितना जल्दी एनरोल कर लोगे उतना ही क्या है आपके लिए बेटा अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो बिल्कुल लीजिए, बिल्कुल लीजिए, क्योंकि इस बार आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको मिल रहे हैं फ्री स्टडी नोट्स। 2 मंथ्स, 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 2 मंथ्स साथ में मिलेंगे, 1 ईयर का लेते हैं तो 2 मंथ्स साथ में मिलेंगे। लेकिन अगर आप कॉम्बैट देते हैं, इधर देखो बेटा, लेकिन अगर आप कॉम्बैट के थ्रू सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो बेटा नो चार्जेस, फ्री ऑफ कॉस्ट। 1 to 3rd रैंक के लिए 100% ऑफ ऑन कॉम्बैट सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो अब ये तुम्हारी चॉइस है, तुमको क्या करना है, कैसा सब्सक्रिप्शन लेना है। अगर लेना चाहते हो तो संडे की तैयारी कर लो, अपना सिलेबस देख लो, ताकि आप हमारे एक्सक्लूसिव बैचेस के अंदर एनरोल कर पाओ। ये देखो मैम का बैच भी चल रहा है, विजय भाव है, संजीवनी है, ये सब बैचेस में बच्चे एनरोल करे हैं बाय यूजिंग सीप लाइव कोड, ठीक है। तो तुम कॉम्बैट में एनरोल कर लो इसी कोड से, एक ही बात है ना बेटा, एक ही बात है। चलिए, तो एक चीज़ मुझे आपको दिखानी थी कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्या है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, दिखा दूँ बेटा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कौन कौन जानना चाहता है, जस्ट अ सेकेंड, कौन कौन जानना चाहता है कि कॉम्बैट कैसे एनरोल करना। मैं आपको लाइव में करके दिखा रही हूँ यहाँ पर। ये देखो, इसी सेशन को खोला, ये खोल दिया मैंने इसी सेशन को, ठीक है। यस, इसमें कहाँ जाना है बेटा, डिस्क्रिप्शन में जाना है। आई एम ओपनिंग माई ओन सेशन हेयर एंड यू हैव टू गो इन टू द डिस्क्रिप्शन। डिड यू फाइंड द डिस्क्रिप्शन गाइज? येस। तो डिस्क्रिप्शन में नीचे नीचे जाते जाओ, जाते जाओ। हाँ जी, ये दिख रहा है, कैन यू सी दिस? येस, अन अकेडमी इंट्रोड्यूस्ड बिगेस्ट इवेंट, अन अकेडमी कॉम्बैट फ्री टेस्ट, ये लिखा, टू नो मोर क्लिक हेयर। बस यहीं जाना है, ठीक है। 2021 वाले जाएंगे 13th वाले ग्रुप में, हिमांशु 13th वाले, तो बस यहाँ पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। आप यहाँ से अन अकेडमी की ऐप को क्या करेंगे, ओपन करेंगे, मोबाइल नंबर डालना, ओटीपी आएगा। ओटीपी आने के बाद बेटा आपके सामने कॉम्बैट का पेज आ जाएगा, एंड आप उससे क्या कर लीजिएगा, एनरोल कर लीजिएगा, ठीक है। बस आपसे वो कोड पूछेगा, कोड आपको डाल देना है सीप लाइफ, ठीक। यस, चलिए, सो नाउ आई विल सी यू एट 5:30 विद माई अनदर सेशन। एक और आपके लिए सरप्राइज़ है बेटा, एक और सरप्राइज़ है, एक चीज़ मैंने लॉन्च की है फुल सिलेबस की, तो जस्ट नाउ अगले सेशन में आ जाओ, ठीक है। चलिए, बाय बाय। आई एम गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट सेशन जस्ट नाउ ओनली, ठीक। चलिए, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।